मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार, जिसमें हजारों लोग कई आशाएं और उम्मीद लेके आते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ऐसी ही कुछ तस्वीर आपको यहाँ दिख रही होगी, चारों तरफ सिर्फ लोग आशाओं के साथ ही बैठे हैं और इनमें से बहुत कम लोगों की आशाएं पूरी हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की। ऐसे ही एक विकलांग भाई साहब है, हम इनसे बात करते हैं। क्या मामला है आपका? मामला है नहीं, मुझे राशन कार्ड है, नहीं रहने के लिए घर है और नहीं कोई रोजगार है। हम भी विकलांग हैं, हमारे घर वाले भी विकलांग हैं, दोनों इसी तरह रह रहे हैं। आगे आवेदन दिए हैं कि कुछ इसमें सर हमको सुविधा चाहिए, किसी तरह जीवन यापन बिताएंगे। उसमें भी पहले हाँ बोल के अभी बिल्कुल नहीं करे। जब मिलते हैं बीडीओ साहब से मिलते हैं तो वो इस गेट से जाते हैं, दूसरे गेट से निकल जाते हैं। सीओ साहब के पास जाते हैं, ये इस गेट से दूसरे गेट से निकल जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं दिया। लोन के लिए किए तो वहाँ लोन बैंक मैनेजर बोलता है तुम्हें लोन नहीं मिलेगा, तुम विकलांग हो, अब लिख के मुझे दे दो कि तुम्हें नहीं चाहिए लोन। ये अब मुझे डेली चार दिन से डेली परेशान कर रहे हैं कि मुझे लिख के दो। PMAJP हम लोन भरे हुए हैं, स्पीकर लोन क्यों मिलेगा? लोन इसमें धन अपना रोजगार करने के लिए। अच्छा। हम स्पीकर बनाते हैं। अच्छा। बॉक्स बनाते हैं, इसी के लिए हम भरे थे। अच्छा। पहले हम भरे थे मुर्गी के लिए, बोला कि ये नहीं होगा, तुम टेंट हाउस काम करते हो? बोले हाँ करते हैं। तो बोला वही मिल जाएगा, जाके जिला उद्योग केंद्र भेज दिया, अब देने के लिए राजी नहीं होता है। वहाँ से आता है दो तीन बंदा, कितनी पूंजी लग गई है लेकिन लोन कुछ नहीं मिला। अब दो तीन आदमी आते हैं, हमको धमकाता है घर पे आके, बोलता है तुम लिख के देते हो या नहीं देते हो। तो जब आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आ रहे थे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है? नहीं किया है, पता नहीं था, नहीं पता था मुझे। आपके जैसे और भी लोगों के जिनको पता नहीं है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में? बहुत बहुत सा है, मुझे लग रहा है कि बांका जिलों में किसी को भी मालूम नहीं है कि जनता दरबार का नीतीश कुमार जी का लगेगा तो उसमें ऑनलाइन का करने का। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ करना चाहिए कि गरीबों को पता चले कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री साहब को करना चाहिए कि वहाँ DM साहब है, जैसे आदेश हर चीज का जब दिया जाता है तो ये चीज का भी दिया जाना चाहिए कि नहीं अगर हमसे कोई मिलने आता है तो ऑनलाइन होगा। और सबसे बड़ी बात हम ये चीज कह रहे हैं कि कोई भी DM साहब मुख्यमंत्री साहब के पास कभी भी नहीं लाएगा। बोल रहा है अभी सुने हैं कि जाके जब तक DM साहब नहीं देगा वहां से केस नंबर तब तक नहीं है। कोई भी DM साहब अपना नौकरी ले सकते हैं। आप क्या आशा कर रहे हैं आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? अब देख रहे हैं, अभी बोला है कि नहीं 3 बजे के जाके जमा लेगा कागज, कुछ सुनवाई होगा इसीलिए खड़े हैं, नहीं तो चले जाएंगे फिर। चलिए देखिए, सिर्फ आशाओं के साथ आए हैं जनता दरबार में ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनकी बात सुने, लेकिन सिर्फ आशाएं ही मिली है, आश्वासन ही मिला और कुछ भी नहीं। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज, पटना।